क्लास टूए केमिस्ट्री और आज हम लोग करने वाले हैं वे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 24 और ये लगभग लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक दो लेक्चर और आएंगे, ठीक है। ये प्रिज्म हम लोग करने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन, जो 5 मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पे। एक ही वीडियो में 5 मार्क्स का खल्लास होने वाला है, ठीक है। इससे आगे भी आएगा, उसमें भी 1-2 मार्क्स, मतलब समझे ना, प्रिज्म का पार्ट 2 आएगा, वो खत्म हो जाएगा। इससे पहले अगर आप लोग लेक्चर 1 से लेके 23 तक नहीं देखे हैं तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, ठीक है। चलिए भाई प्रिज्म पढ़ दे। प्रिज्म क्या होता है मालूम है ना? हाँ, कितने सतह होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं? 5। कोई दिक्कत इसमें? टेंथ में तो पढ़ के किए थे, टेंथ में पढ़े थे ना हो? अच्छा, इसमें पृष्ठ क्या होते थे? ध्यान दे, एक ये हुआ, एक जिस प्रकार ये है उस प्रकार पीछे से होगा, ठीक है। ठीक है, एक इस तरफ है, एक उस तरफ है, वो नीचे आधार है, ये नीचे आधार। देखिए किस प्रकार, इस प्रकार त्रिभुजाकार आगे में, त्रिभुजाकार पीछे, एक आधार इस प्रकार होगा, एक आधार इस पर, मतलब एक सरफेस इस प्रकार और एक सतह इस प्रकार, ये दोनों क्या है? सतह, ठीक है। और नीचे क्या है? आधार। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इस प्रकार है। देखो तो उधर से व्हाइट लाइट आ रही है, इधर से क्या हो रही है? रेडिएट कर रही है, विक्षेपण हो रहा है, ठीक है, डिस्पर्जन हो रहा है। एगो ये सतह है, एगो उस तरह पीछे सतह होगा, एगो नीचे, 5 सतह है ना टोटल। कोई दिक्कत? नीचे वाला को आधार बोलते हैं। चलिए देख लिए, आइए सब लाइट वगैरह के बारे में जानते ही हैं हम लोग, जानते हैं ना, ये सब तो में ही पढ़े होंगे ना। हम लोग जो अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रिज्म में पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ ट्रायंगुलर प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म पढ़ेंगे? मतलब त्रिभुजाकार, ये 3D में होता है। क्या होता है? 3 डायमेंशन में होता है, ठीक है। तो तनी ध्यान दीजिएगा, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे पारदर्शी वस्तु है, विच हैज एट लीस्ट 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस एट द साउथ एंगल, यानी जिसके कम से कम 2 क्या होना चाहिए, अपवर्तक सतह होना चाहिए, एक दूसरे से कुछ कोण पर होना चाहिए, दो क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। भाई ये यहाँ से गिरा जाता ये है ना, और यहाँ से यहाँ पर पहला का रिफ्रैक्शन होता, पहला बार रिफ्रैक्शन यहाँ होगा और यहाँ के बाद दूसरा बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, पहला यहाँ दूसरा यहाँ, 2 रिफ्रैक्शन होना चाहिए। अब कुछ ना कुछ देखिए, ये वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, ये वो ये 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, और यही दोनों के बीच को अजी काम जाइए हम दे देंगे। सुनिए, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? इससे ए से एंगल करते हैं। चलिए वो आगे देखेंगे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वर्क, इसके काम के आधार पर, इसके काम क्या होता है इसका, सुनिए थोड़ा ध्यान से। इट इज द 3 डायमेंशनल ऑप्टिकल एलिमेंट्स, तीन डायमेंशन है, 3D है ना, जो डिस्पोज करता है व्हाइट लाइट। सबसे पहले प्रिज्म में कौन सा लाइट जाएगा? व्हाइट लाइट। फिर प्रिज्म कैसा भी ले सकते हैं आप, प्रिज्म आप रेक्टेंगुलर ले लीजिए, आप कैसा ले लीजिए, ट्रायंगुलर ले लीजिए, प्रिज्म पेंटागोनल ले लीजिए, हेक्सागोनल ले लीजिए ना, बाई पिरामिड जैसा प्रिज्म आपको लेना है वैसा ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ आपको पढ़ना है कौन सा प्रिज्म? ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन सा लाइट लेके जाएंगे? व्हाइट लाइट। अगर प्रिज्म से गया व्हाइट लाइट पर आता, व्हाइट लाइट पढ़ने के बाद ये डिविएट करता है, डिस्पर्स होता है, कितने में? 7 लाइट। कितने लाइट में? 7 लाइट में। वो 7 लाइट कौन कौन है मालूम है आप लोगों को? कौन कौन सबसे जो कम डेविएट करता है, सबसे जो कम डेविएट करता है वो कौन सा लाइट है? लाल है, लाल है सबसे कम डेविएट। देखिए जा रहा था कहाँ जा रहा था? जापान, चल गया कलकत्ता ना। जो सबसे कम डेविएट करता है वो कौन है? लाल। कौन है?
राम। ठीक है, और जो सबसे अधिक डेबिट कर रहा है कौन है? वायलेट। कौन है? यहाँ से तो डेबिट करेगा ना भाई। हाँ, सात कोरम होता है तो खाली ऊपर नीचे वाला दिखा दिए, सातों समवाद समझ में आ जाना चाहिए। आगे आइए, टाइप्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म के प्रकार। तो सबसे पहले आप हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा प्रिज्म पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या होता है? बी हैव स्टडी, हम लोग इसमें स्टडी करते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म के साथ। किसके साथ? स्मॉल, इसके साथ स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म। स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब छोटा सा प्रिज्म के कोण के साथ। ठीक है, तो चलिए एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है देख लेते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण, तो एंगल बिटवीन, हमें तुरंत बताया प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म ये बताया। दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ना अभी बताया ना, ये प्रिज्म है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये और ये। ठीक है, ये और ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग। ये और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ से जाएगा ना किरण, और यहाँ ये दो सतह है ना, यहाँ से भी रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ से भी रिफ्रैक्शन होगा, और इसी दोनों के बीच के एंगल क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। कोई दिक्कत? हाँ, अच्छा यार, चलिए ठीक। कोई दिक्कत इसमें? दो अपवर्तक सतहों के बीच बनने वाले है, बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आ गया? पढ़ा गया आगे। अगला क्या है? ये सब प्रिज्म है, इसी प्रकार का है, टाइप ऑफ प्रिज्म है ये सब प्रिज्म। आपको पढ़ने के लिए सब पढ़ना नहीं है, बता दिए टाइप ऑफ प्रिज्म। उसके बाद क्या है? प्रिज्म से विचलन। प्रिज्म से, आइए पहले प्रिज्म से विचलन आपको पहले बता देते हैं। एक पहले क्या ले लेते हैं हम लोग? ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ले लिए, कोई दिक्कत इसमें? कौन सा लाइट गुजरना है इसमें से? व्हाइट बोला। अच्छा, कोई भी लाइट, अभी अभी डिस्पर्जन नहीं कराना, अभी विचलन कराना है। क्या कराना है? हाँ, तो विचलन कराते हैं मतलब डेविएट कराते हैं। अभी कोई भी ले सकते हैं, व्हाइट भी ले सकते हैं, कोई भी करे। गया? ठीक है, ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे। क्या हो गया? यहाँ से जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? अपवर्तन होता है कि नहीं होता है? समझे ना, ये ग्लास है। क्या है ये? ग्लास की तरह है, शीशा है, वो प्रिज्म के आकार का बना हुआ है। पांच सौ का समझ में आया ना भाई? इस प्रकार झोपड़ी है, इस प्रकार इधर से भी ऐसे लगा हुआ है, इधर से भी लगा हुआ। छह तो देखते होंगे मंदिर का, ऐसे बता देते हैं ये इस प्रकार है, ऐसे है। देखिए आप लोग देखिए इसे का, और उसके बाद एक सप्ताह किधर से होगा? एक सप्ताह इधर से भी ऐसे होगा, एक ऐसे एक नीचे से, कौन सा तो हो गया आप इसके, ये यही है रिफ्रैक्टिव सरफेस ये दो, और इसी के बीच के यहाँ पर वाला एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। चलो अब तक समझ ही नहीं, अब ध्यान दीजिए भाई साहब। अब यहाँ से क्या होगा? ये अपवर्तन होगा, ये कांच है का ना, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होने के लिए, अपवर्तन भाई, अपवर्तन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले से पहले तो लाइन के दे, ये तो गया, इंसिडेंट रह गया। रिफ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? अमन भाई बताइए, अभिलंब क्या चाहिए? पहले तो नॉर्मल चाहिए, क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए। रिफ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? पहले नॉर्मल चाहिए, क्या चाहिए? तो ये आपका हो गया नॉर्मल n, पूरा लिख देते हैं। हिंदी में कहते हैं अविलंब, क्या कहते हैं? अब तो लंबा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंसिडेंट रे।
हिंदी में कहे तो आप देखिए नहीं समझेगा तो बड़ा नहीं बनाएंगे। यहां सुनिए ध्यान से, ये मान लेते हैं इसका म्यू वन है, मतलब ए आर क्या है, ए आर है, और ये आपका म्यू मतलब इस क्लास क्या है, क्लास। इसका रिजल्ट करते वन होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक होता है। अब कौन सा मीडियम हो गया, कौन सा माध्यम, विरल माध्यम मतलब रेलर मीडियम, और ये क्या हो गया डेंसर मीडियम, सघन माध्यम क्या हो गया, तो विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाशीकरण किधर होगा, अभिलंब की दूर के अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, चलिए अभिलंब की ओर कराते हैं, चलिए अभिलंब इजा रहा था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जा करके ये मुड़ गया, क्या हो गया मुड़ गया ना। अब यहां से भी क्या करना है इसको, यहां से भी रिफ्लेक्शन होगा बाहर निकले क्रम में, तो यहां भी क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि भाई बताना तो भाई तुरंत बता दें, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना। ये भी क्या हो गया आपका नॉर्मल। अब देखिए कि टेंसर से बाहर जा रहा है, टेंसर से रेयर में जाने पर अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर तो जा रहा था इधर, अब अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से क्या होगा आगे हो गया, कोई दिक्कत। अब सुनिए धनी, इंसिडेंट रे इसके लिए ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, इस यहां पर के लिए ये हुआ इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी, ये कहां जा रहा था पहले, ये जा रहा था ससुराल, जा रहा था घर आए, अब यहां से देखिए इस केस जा रहा था, कितना डेविएट हो गया, ये डेविएट हुआ ना ये। अब सुनिए इसी को तनका हम क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, तो अब इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, क्या कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इस चीज को क्या बोलते हैं मालूम है, डेल्टा, क्या बोलते हैं डेल्टा, इसी को क्या बोलते हैं एंगल ऑफ प्रेज, मतलब ये जा रहा था इसे अभी दिख रहा है, इसे ये जा रहा था इससे अभी दिख रहा है, पहले जिस पार्ट पर था अब किस पार्ट पर है, इसी के बीच के कोण को क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, कितना डेविएट किया है, कितना जो ये इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, क्या कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, आया समझ में, हिंदी में क्या कहते हैं विचलन को, आता समझ में, इंग्लिश में आया। अब कुछ इसके कोण होते हैं मानने के लिए, ये आपका इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तुम्हें कोई बताएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए ये आपका कोण है अपवर्तित किरण, इसके लिए ये बिंदु के लिए अपवर्तित किरण है या विलंब, ये क्या हो जाएगा आर, ठीक है, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए क्या हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोला गया आर डैश, क्या बोला गया है आर डैश, इसको बोला गया आई डैश, क्या बोला गया है आई आई डैश, आर आर डैश, कोई दिक्कत, बिना समझ में आया कि नहीं समझ आया सबको, आगे सबको समझ में, कोई दिक्कत इतना पे, ये बना लीजिएगा आप लोग उससे, बहुत स्लो बताएं, बहुत धीरे धीरे, ठीक है, तो थोड़ी डिफिनेशन देख ले जाओ, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे, ठीक है, इस पर क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, यही नाम बताए, आपतित किरण ये है और ये क्या है इमर्जेंस, इमर्जेंट बोलिए या इमर्जेंस बोलिए, इमर्जेंट इमर्जेंस रे, मतलब हिंदी में कहते हैं क्या निर्गत किरण, क्या कहते हैं, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, आपतित किरण तो यह हो गया,
निर्गत किरण यह जा रहा है, इसके बीच को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन को, ठीक है। और ये आई हो गया आई डैश आर ई, पहले तरह का समझिए बात को हमारा। इस बिंदु के लिए ये हो गया इंसिडेंट रे आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण। इस पॉइंट के लिए ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया कोई दिक्कत। अच्छा त्रिभुज त्रिभुज आता होता है कि ना आप लोग, आता है तो आता है तो तनिक हमारा ही बताइएगा। कोण ए कोण बी तीनों कोणों का योग कितना होता है, वादे की बात मालूम है आप लोग। अच्छा ये बात कैसे नहीं मालूम होगा कि, अच्छा ये मालूम है एगो एगो बाह्यतम कोण दू गो अंतः कोण के बड़ा योग के बराबर होता है, अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अच्छा तो जैसे मान लेते हैं ए है बी है ई इसको मैं से बाहर निकाल दी, निकाल दिए। हमको ये कोण मालूम करना है, ये कोण ये हो गया बाह्यतम कोण वन वन, इसका अंतः कोण कौन होगा, ये ए और ये कोण ए प्लस कोण बी बराबर ई सी नहीं, इस मतलब ये इसको ना सी बोलेंगे, इसके बाहर ना है, ठीक है, इसके बराबर होगा। मान लीजिए ये हो गया एक्स, ये हो गया यहाँ क्या होगा एक्स जोर वाई, कोई दिक्कत समझ में। और मान लीजिए ऐसा प्रकार इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार यहाँ ए यहाँ है बी यहाँ जो होगा इस प्रकार तो क्या हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके अंत में यह नहीं जाएगा तुम, ये बाहर है ये अंदर है, वो दिक्कत। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से क्या करना है रिफ्लेक्शन, यही पे अब शुरुआत हुआ। किसका सवाल सब जो बोर्ड में आता है वो सब तो था, ये क्या कहते हैं यहाँ पर लाने के लेवल था, ठीक है। आप लोग तनिक सुनो ना भाई, अब हम लोग जो फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे वो इम्पोर्टेंस है, वो ऑब्जेक्टिव में भी आता है सब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। अब कितना बार पूछा गया आप एक बार क्वेश्चन में कुलट करके बता दीजिए कितना बार पूछा गया हो 2009 से 2023 में, अभी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फिर से हम बनाते हैं वही प्रिज्म बना जाए, भोजन बनना है बन गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलिए यहां से हम रेगो लेके चलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, लेके गए इंसिडेंट रे। अब यहां पर क्या होगा नॉर्मल, यहां से क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा ना, तो नॉर्मल तो चाहिए, आइए नॉर्मल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, नॉर्मल बन गया, क्या बन गया ये नॉर्मल गया। अब ये बाहर का सुनिए, बाहर म्यू वन है मतलब ई एयर है, बाहर क्या है ये क्या है एयर है, बाहर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अंदर का मान लेते हैं म्यू, क्या मान लेते हैं म्यू, ये वाला था। यहां से देखिए अब बाहर है रेयरर मीडियम, अंदर है डेंसर, क्योंकि बाहर हवा में से जा रहा है ग्लास, तो रेयरर से डेंसर में जाएगा तो अभिलंब की ओर अभिलंब की ओर मोड़ देते जाएगी, मुर्गिया अभिलंब की ओर तो जा रहा था इससे मुर्गिया ना, अब यहाँ भी अभिलंब पर आइए क्योंकि यहां से इनका हाथ निकलने के लिए इसको मुड़ना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा ना, वो तो दिक्कत नहीं। ये अब यहां से ये भी मुड़ेगा, अभिलंब से दूर कहां जाएगा, अभिलंब से दूर नहीं जाएगा, अभिलंब की ओर जाएगा, अभिलंब से दूर क्योंकि जा रहा था सीधे इससे,
लेकिन अविलंब से डर लग गया भागा है, क्योंकि डेंसर से जाएगा डेरो में अविलंब से दूर जाएगा। अब आप ये कहाँ जा रहा था ये बताइए, शुरू वाला ये कहाँ जा रहा था, ये कहाँ जा रहा था, इसलिए इसे जा रहा था, उसमें किसी को कोई दिक्कत, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, इसको मिलाना पड़ेगा, इसको मिला देते हैं भाई, चलो इसको मिला देते। इसी कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोलते हैं, और इसी का मान निकालना, एंगल ऑफ डेविएशन का मान ही निकालना है, निकाल लीजिएगा। जा रहा था इसे हो गया, इसे कितना ही विचलित हुआ, कितना ही विचलित हुआ, कितना ही विचलित हुआ, कितना ही विचलित हुआ, ये निकालना है। हंसी लगता रात पास में पूरा कर रहे, देखो ये कितना विचलित हुआ, यहाँ जा रहा था इसे। अरे सुनो त्रिभुज का फल दे दिए भाई, जानते हैं अभी नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, हाँ ये भी नॉर्मल हो गया। हाँ आई होता है आई डैश आर आर डैश, कोई दिक्कत, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ई वाला आप लोग जानते हैं, इसे वाला जितना ये होता है इतना ये सम्मुख कोण होने के कारण, अगर ये 60 डिग्री तो ये हो 60 डिग्री होता है ना, तो तनी भाई साहब इधर ध्यान दियो, हमरो पास सुनो भाई, वोट नहीं मांग रहा है, ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं। ई आई है तो पूरा क्या होगा, आई पूरा क्या होगा, आई होगा कि नहीं होगा, तो हमको इतना चाहिए इतना, ये कितना होगा, ये पूरा आई ई आर ये कितना आई माइनस आर, बड़ा समझदार बच्चा सब है, एक बार में समझ जाता आई माइनस कोई दिक्कत। अरे भाई इस प्रकार था, ठीक है ऐसे है, सुनो ये आई ये पूरा आई ये ना होगा पूरा, और जब ई देखिए पूरा है पूरा, ये आर ई क्या हो जा रहा है पूरा आई और माइनस में आई माइनस में आर, ये पूरा में से इतना घटा देंगे है ना बचेगा। चल उसी प्रकार तनिए वाला झलक निकला जा इधर, ये फॉर्मूला एक बार निकाल लेते हैं, ये भाई हाँ, तो ये जब पूरा आई डैश है तो ये हो आई डैश होना चाहिए, आय सम्मुख कोण होने के कारण। आप तनिक की बताइए कि जब ये पूरा आई डैश है माइनस में आर डैश तो क्या हो जाएगा, ये आई डैश का जगह देना पड़ेगा, तो ये हटा पाएगा, ये हो गया आई माइनस आर, ये हो गया आई डैश माइनस आर डैश, कोई दिक्कत होगा इसमें ना ना, तो ये देखिए तनी ध्यान दीजिए, देखिए ये कौन क्या है लेमडा यही ना है, ये जो तीर गया उसे को मतलब भाई ये का हो, ये का हो डेल्टा, ये का हो एंगल ऑफ डेविएशन नहीं ना है, तो ये कौन जो है वो किसके बराबर होगा, इसके दोनों अंत कोणों के योग के बराबर होगा, क्या समझे, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा बराबर आई माइनस आर जोर आई डैश माइनस आर डैश, मतलब एकरा हम लिख सकते हैं आई जोर आई डैश, नहीं सकता हो माइनस में आर माइनस में, अच्छा माइनस को मिल लिया जाए आई आई जोर आई डैश माइनस में आर जोर आर डैश। अब तनिक सुनो, अब मान हमको चाहिए किसका, आई का आई डैश का आर का आर डैश का, चाहिए ना मान, चाहिए कि नहीं चाहिए भाई साहब, चाहिए ना। हाँ ये तो पहले ये आपका हो गया एंगल ऑफ ब्रिज, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये जो बन रहा है यहां से ये 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 क्या बन रहा है, एक आपका चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है ना भाई, चार
ये चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री। तो इसके लिए हम ऐसे से निकालेंगे, ऐसा निकालेंगे ना, तो हमको ई कोण चाहिए, ये वही कोण चाहिए, वही कोण है वो। देखिए ई पूरा यहां से यहां लगते हैं कितना होगा, कितना होगा 90, कितना होगा ऐसा है, ऐसा है। अविलंब होता है किसी को तो नंबर नहीं पढ़ना, जब अविलंब होता है, अविलंब गिनता है किसी भी लाइन पे तो नंबर नहीं बनाता। तो इस लाइन पे क्या है, पर इस लाइन पर ये अविलंब है ना, नंबर है, ये भी क्या है, तो दो तो मालूम है लेकिन ये ना मालूम है। इसको मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, अब नाम देने दीजिए भाई, सुनिए, इसको मान लीजिए पी अलग कलम से, इसको मान लीजिए पी, इसको क्यू, इसको आर, इसको एस, और कुछ है बस हो गया। अच्छा इसको भी मान लेते हैं, वहां ले लेते कोई दिक्कत, एस टी मान लीजिए, तो पी आर टी यहां ले लीजिए ट्रायंगुलर पी आर टी में, ठीक है, पी आर टी में चले थे, ई कोण के बराबर जो हो गया था इतनु के योग, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं हो लिखिएगा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए अब आइए, अब सुनिए, हमको एक्स का मान निकाल लेते हैं, निकाल लिया जाए, एक्स का मान निकाल लिया जाए। तो भाई साहब सुनिए, चलेंगे इन ट्राइंगल जिसमें पी क्यू आर, पी क्यू आर तो जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण आर, कोण एक्स और कोण आर डैश, मतलब आर जोड़ आर डैश जोड़ एक्स बराबर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, दोनों माइनस हो जाएगा आर जोड़ आर डैश, कोई दिक्कत। अब यह मालूम हो गया, अब चलते हैं इन, और सुनिए चतुर्भुज कौन कौन है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, चारों कोणों का योग कितना 360। तो चलिए क्या हो जाएगा, पी टी के जब कितना है, टी के जब कितना 90, क्यू के जगह पे एक्स, आर के जगह पे 90, कितना है, क्योंकि अभिलंब है इस लाइन पर, क्या है अभिलंब है बहुत, लेकिन बस बस हो गया, चलो समझ में आ जाएगा 90। आ आ एस के जगह पे ए बराबर 360, इसमें किसी को कोई दिक्कत एकदम दिक्कत नहीं है। अब x का मान रख दे यहाँ पे, हाँ 90 जोड़ x का मान 180 डिग्री माइनस r जोड़ r डैश, और प्लस में e 90, और प्लस में a बराबर। भाई साहब तनिक आप लोगों को कुछ कुछ ध्यान में आ रहा होगा, क्या ध्यान में आ रहा है, 90 180 आई 90 हो जाएगा कुल 360, ई हो गया 360, कहानी हो गया खत्म, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, गुजारा गुजारा, ठीक है। अब भाई साहब समझिए, अब कोई, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, 90 180 90 360 इधर आएगा माइनस 360, कहानी खत्म, बच गया खाली क्या आर जोर आर डैश माइनस में है, माइनस में यो ई माइनस में, ये प्लस में, प्लस में ए है ना, आप ए रख लीजिए, आप ई है आपका माइनस उधर जाके बराबर में आर जोर आर डैश, वाह निकल गया, ए का मान निकल गया आर जोर आर डैश, रखा जाए इसमें क्या मान रखा जाए, लेकिन आई और आई डैश का मान भी तो चाहिए,
अरे भाई साहब, आई और आई डैश का मान भी तो चाहिए, कैसे निकालेंगे आप? किससे? साइन लॉ से। किससे? साइन लॉ याद है? हाँ, स्नेल लॉ, फ्रॉम स्नेल लॉ, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। तो म्यू वन पहले यहाँ इसमें लिख लिए, म्यू वन उधर साइन आई आई हो जाएगा, साइन आई आई बराबर म्यू टू इसमें आइए म्यू और साइन आर आर के मान तो आर है, कोई दिक्कत ये हो जाएगा आपका। अच्छा साइन आई को हम आई लिख सकते हैं क्या? साइन आई को आई लिख सकते हैं, वो तो गया हवा में ना। आई बराबर हो गया म्यू आर, क्या हो गया? संतुष्ट। देख चल करते क्या आई का मानना चाहिए हमको, आई का मानना निकालना है तो तुम और न्यू में लेके जा रही है, न्यू बराबर आई तक कौन नहीं जानता, वो तो तुमको बच्चा जानता होगा कि आई गुना में जरा भाग दो। क्लास में तो क्लास का मान हम नहीं डालेंगे, हम आगे न्यूमेरिकल करते समय अभी सिर्फ फॉर्मूला निकालना भाई, ये तो जानते हैं कि क्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है सबको मालूम है, सवाल भी किया, लेकिन जो सवाल अभी तो फॉर्मूला निकालना है, अभी म्यू के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, आप समझिए ना पहले। अब यहाँ इस बिंदु पर इस बिंदु पर म्यू वन साइन आई, तो म्यू वन क्या हो जाएगा, ये म्यू वन इस पॉइंट के लिए दूसरा कलर कर देते हैं, इस बिंदु के लिए म्यू वन म्यू साइन आई आई का मान आर डैश बराबर बाहर म्यू टू, म्यू टू बाहर क्या हो जाएगा वन साइन आर, आर का मान आई डैश। हाँ समझ में आया कि नहीं बताइए, पहले बताया समझ में? अरे म्यू वन इधर से, अब यहां पर है इधर से जा रहा होगा, इधर से भी इधर आया इधर से किया जाए, आई का मान क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस बिंदु के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आर डैश, आइए ना ही म्यू वन साइन आई आई का मान आर डैश, अब म्यू टू साइन आर का मान क्या आर डैश, तो ई वन इंटू साइन आई को हम आई लिखे थे आर डैश बराबर ई साइन आर बराबर आर साइन आर डैश, तो क्या हो जाएगा म्यू आर डैश हो गया, अब ई हो गया कहानी खत्म, आई का मान निकल गया आई डैश, तो नीचे यहां से निकलेगा आई जूर आई डैश का मान कितना हो जाएगा म्यू आर जूर म्यू आर डैश, आई प्लस आई डैश बराबर म्यू कॉमन ले लेते आर जूर आर डैश। अब तो आई प्लस आई का मान निकल गया, आर प्लस आर का मान निकल गया, तब तो चला जाए यहाँ पे पार्टनर के पास के, आइए अब क्या है एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, आई जोर आई डैश माइनस में आर जोर आर डैश, आइए आई जोर आई डैश का मान म्यू, आर जोर आर डैश आया माइनस ये रहने दीजिए आर जोर आर डैश, अजय बात सर एकर मान का अब हमको मालूम है, क्या मालूम है भाई, तो मालूम है कि एकर मान जो होता है वो होता है ए, क्या होता है ए, आ एकर मान तो ए, ए का मान ले लिया जाए म्यू माइनस वन, बहुत जगह ये फॉर्मूला होगा बहुत जगह ये वाला, ठीक है डेल्टा बराबर एंगल ऑफ डेविएशन बराबर ए इंटू म्यू माइनस वन, कोई दिक्कत आया समझ में, किस प्रकार प्रिंट बना ना किस प्रकार माने आप लोग कोशिश कीजिएगा तरकारों नीचे से ले जाए, ताकि यहाँ पर जो त्रिभुज है ये मित्र का बड़ा बने, मान लीजिए यही चीज तरकार नीचे तरकार बड़ा बनता साफ साफ जितना चाहिए, ये सब कौन कैसे सब समझ में आया ना, आया ना समझ में भाई, एक करोड़ दोबारा देखिए एकदम टनाटन समझ में आ जाए, बहुत धीरे धीरे बताएगा। अब आइए
relation between angle of deviation मतलब डेल्टा and refractive index mu के बीच में relation बताना बताना है ना तो तनिका ये नेवस तनिका और तनिका ये हो जब मैं पूछता हूँ ठीक है दो समय हो गया हाँ साइंटिस्ट मात्र पांच मिनट में समझा देंगे कि आई इतनी स्पीड में चलेंगे भाई आई जोड़ आई डैश माइनस आर जोड़ आर डैश तो आप लोग बताइएगा इसमें क्यों किससे एसएनएस लॉ क्या कहा म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर म्यू वन वन है म्यू वन वन साइन आई तो आई ए था बराबर म्यू टू म्यू है साइन आर आर तो आर ए था तो म्यू का मान है क्या जाएगा साइन आई बता में अबे सुनो 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 आई का मान यहां भी निकालना पड़ेगा आई और आर का मान निकाल के रख देंगे क्या करे जो आई और आर का मान आ जाए क्या करे क्या करना है जो आई और आर का मान आ जाए हाँ ना ना इसका मान अभी निकाल के यहाँ रखना है यहाँ रखना है ठीक बताइए किसी को आइडिया है नहीं आइडिया हमारा पास आइडिया है आइए अरे कहाँ गया ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्या है इमरजेंस एंगल है ना तभी सुनिएगा ये दोनों बराबर करना ये दोनों क्या करना है एक शर्त होता है फोर मिनिमम डेविएशन फोर न्यूनतम विचलन को न्यूनतम विचलन न्यूनतम विचलन तो लिखेंगे फोर मिनिमम मिनिमम डेविएशन ने न्यूनतम विचलन के लिए न्यूनतम तो न्यूनतम को डेल्टा लिख लेंगे नहीं इसको यहां लेके चलते हैं चलिए ऊपर चलो भाई डेल्टा मिनिमम डेल्टा मिनिमम बराबर अच्छा इसके लिए क्या हो जाएगा इसके लिए जो आई होगा बराबर होगा किसके आई डैश के आर बराबर है किसके आर डैश के बराबर हो जाएगा इधर मिनिमम पे मिनिमम जब इधर मिनिमम डेविएशन होगा देखिए आपको नहीं लग रहा है कि दोनों बराबर है हाँ मिनिमम डेविएशन जब आधार के पैरेलल हो बीच वाला को जब आधार के पैरेलल हो पैरेलल है ना कि दोनों बराबर होगा लेकिन हो अब इसमें बराबर बनाए हम तो इतना ऊपर कर देते ना टेढ़ कर देते ठीक है यही से हम मानने के लिए यहाँ पर बराबर कर दिए आधार के बराबर तो आई आर डैश के बराबर होगा आर आर डैश के बराबर होगा इसमें किसी को कोई दिक्कत ले लीजिए डेल बराबर डेल मिनिमम ले लीजिए मिनिमम मिनिमम बराबर आई और आई डैश का मान भी आइए मान लेते हैं माइनस आर जोर आर डैश कोई दिक्कत इसमें अरे आई डैश के जगह पे हम लिख दिए हैं यार आई डैश के आई नहीं दिए ना हो गया दोनों बराबर बराबर है अच्छा वो लिख देंगे तनिक सुनिए ना तनिक हमारे बात तो सुन लीजिए हम वो लिख देंगे डेल्टा मिनिमम बराबर पांच मिनट में कहा बता देगा लेट हो रहा है ना ध्यान में आपको ई हो जाएगा आपका टू वाई ई हो जाएगा आपका ए अच्छा इसमें कोई दिक्कत किसी को माइनस में ए है निकाल ला जाओ कान पकड़ के डेल्टा मिनिमम बराबर माइनस प्लस ए बराबर टू आई इसमें से हम आई का मान निकाल ले आप लोग इजाजत दे तब आप लोग अगर इजाजत दे तब आई का मान निकाल लेते इजाजत है आई बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस ए बटा में आई का मान तो एकदम टनाटन निकल गया क्या निकल गया टनाटन यहाँ भर देंगे टनाटन
अब तो नहीं बढ़ी, आगे बढ़ी। ए बराबर पढ़े थे ना शायद, आर प्लस आर डैश पढ़े थे, कहिया हो गया तो चार साल हो गया, चार साल हो गया पर के ए बराबर कहां पर है, डेविएशन में आर आर डैश के बराबर होता है, तो आर तो आर रहे करेगा, आर डैश के मान भी आर रख लेते हैं, ए बराबर हो जाएगा टू आर, तो आर बराबर हो जाएगा ए बटा टू, कोई दिक्कत था, आई का मान भी निकल गया, आर का मान निकल गया, तब देरी कौन सी का है, जब सब कुछ एका चेकी हो गया, फलदान हो गया, तो शादी भी आना बच गया, करा देते आइए, तब म्यू बराबर क्या है, अब नाउ साइन आई बटा में साइन आर, तब म्यू साइन आई के मान तो नहीं बताइए हो, आई के मान क्या है बताइए ना हो, एल मिनिमम प्लस में ए बटा में, अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में साइन क्या जाएगा, ए बटा में ई फॉर्मूला पूछता है, एकदम ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, ठीक है, कोई दिक्कत, आप कहिएगा कि सर साइन इसको हम लिख सकते, छोटका एंगल के लिए साइन इतना पता, हम इतना भी लिख सकते हैं, साइन ए बड़ा टू कम ए बड़ा टू, रफ पे देखिएगा तो आपका मतलब जो है पीछे वाला भी आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, डेल बराबर ए इंटू बी माइनस वन, तभी दोनों आया ना भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ गया और क्या आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन भी आ गया, पांच मार्क्स हो गया क्लियर, मतलब ऑब्जेक्टिव एक नंबर क्या पूछते, कहीं पांच मार्क्स में पूछते एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन ही पूछता, दो गो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन ही पूछता, तो दो क्लास, एक क्लास होगा तो आगे आएंगे लेकर के, आ नहीं तो दो क्लास में हो जाएंगे, तो चलिए भाई साहब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, हाँ फाइव कंडीशन इन रिफ्लेक्टिव ड्यू टू आई, एक नंबर इसमें से ये पांचों कंडीशन में से एक नंबर जरूर आ जाता है एग्जाम, तो पांचों कंडीशन करने पड़ रहे, तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और रिविजन करके जरूर आइएगा, ठीक है, तब तक क्या करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, होता बेस्ट।